प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 50% कमीशन का आरोप लगाते हुए भगवान महाकाल के नाम पर एक चिट्ठी सौंपी है। कमलनाथ ने यह भी फैसला किया है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो पहली बैठक महाकाल लोक में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सावन माह के 6 सोमवार को भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। कमलनाथ ने भगवान महाकाल के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने पालकी को कंधा भी लगाया। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से माँ बीजासन कंस्ट्रक्शन विक्रम जोगी रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री राम कृपा फौजी ढाबा रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री प्रतीक श्रीवास्तव रेंजर दक्षिण वन मंडल ढाना रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री उमेश अवस्थी ठेकेदार रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से मनीष सिंह ठाकुर बड़गान रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से श्री अंकित मिश्रा सरपंच ग्राम पंचायत संजरा जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से प्राचार्य सीएम राइजिंग स्कूल रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से नगर पालिका परिषद साहेबपुर जिला सागर मध्य प्रदेश। आप सभी देश प्रदेश एवं जिले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले की सरकार चल रही है, इसी वजह से उन्होंने भगवान महाकाल को एक पत्र सौंपा है। भगवान महाकाल से कमलनाथ ने यह प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश की भ्रष्ट और घोटाले की सरकार का अंत हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की बैठक महाकाल लोक में की जाएगी, ताकि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कमीशन और घोटालेबाजी की बात हर जगह आम लोगों द्वारा उठाई जा रही है। उन्होंने भगवान महाकाल को जो पत्र सौंपा है उसमें भ्रष्टाचार की जननी पार्टी संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने महाकाल लोक के निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4-5 महीने में सरकार ने कई बड़े ठेके निकाले ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ 50% कमीशन का आरोप लगाने पर इंदौर में FIR भी दर्ज हो चुकी है, बावजूद इसके उनके द्वारा लगातार भाजपा सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।